हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो मैं बात करने वाला हूँ वॉशिंगटन नेशनल्स वर्सेस न्यूयॉर्क मेट्स बेसबॉल मैच के बारे में, जो MLB लीग का होने वाला है। इस मैच के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम में किस प्रकार पिक करना है, किस प्रकार ड्रॉप करना है। मैं बात करूँगा ड्रीम टीम के बारे में, और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, एक जो डेट रहेगी वो रहेगी दोस्तों 8 अप्रैल फ्राइडे को मैच होने वाला। दोस्तों मैच रहेगा 4:35 पर, यानी कि सुबह के टाइम ये मैच होने वाला है। एक जो टीम होगी दोस्तों आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दोस्तों लाइन में पाने के बाद मैं आपको टीम प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको सिर्फ टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका जो वेन्यू, इसका जो स्टेडियम होगा वो नेशनल्स पार्क। दोस्तों कुछ फंटेसी टिप्स जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों इससे पहले मैं आपको चेकआउट कराता हूँ हमारा टेलीग्राम चैनल। दोस्तों ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर दोस्तों वो वर्क नहीं कर रहा तो आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए TT Playing 11। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको एक तरफा विनिंग टीम मिलती रहे। दोस्तों सारे टीम अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों विनिंग होते हैं, दोस्तों क्लीन शीट प्रोवाइड आपको मैच करवाए जाते हैं। और दोस्तों ये देखिए क्लीन शीट आपको मैच प्रोवाइड करें, और मैं ट्राई करूँ दोस्तों ये मैच में हमारा क्लीन शीट ही जाए। बाकी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, आज जो मैच है, आज पहला मैच होने वाला है वॉशिंगटन नेशनल और न्यूयॉर्क मेट्स का। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि हर टीम के 4-4 मैच हो जाने दीजिए, जिससे हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे स्टैट आ जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको विजन 11 को डाउनलोड करना है। जो विजन 11 है यहाँ पर एक तो कंपटीशन काफ़ी कम है, एंट्री फीस काफ़ी कम है, और आपके जो जीतने के चांस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको ट्राई करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विजन 11 के ऊपर प्ले करके चल रहे हो। आपका दोस्तों इसका लिंक होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं बात करूँगा कुछ स्टैट्स के बारे में। तो दोस्तों आपके सामने फैंटेसी टिप्स जो मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों इन कैचिंग बोथ आर गुड, हावर जेम्स मैकन इज द बेटर चॉइस। दोस्तों जेम्स रहेंगे वो ज़्यादा अच्छा चॉइस रहने वाले हैं कैचर सेक्शन से, तो आपको ट्राई करना, आप उनको ही पिक करके चल रहे हैं। दोस्तों जो पिचर्स रहेंगे वो दोस्तों आपके सामने है, पोलो है, आइडम है, मैक्स है, क्यून है, दोस्तों क्रिश है। तो दोस्तों सभी पिचर्स रहेंगे, बाकी दोस्तों हमें दो ही पिचर लाइनअप में मिलेंगे, तो देखते हैं किसको पिक करके चलें। दोस्तों न्यूयॉर्क मेट्स टीम हैज़ द अपर हैंड ओवर वॉशिंगटन नेशनल्स, सो ट्राई टू पिक मोर प्लेयर्स फ्रॉम न्यूयॉर्क मेट्स। दोस्तों आपको ट्राई करना है, जो न्यूयॉर्क मेट्स टीम रहने वाली है तो आपको ट्राई करना आप इस टीम से ज़्यादा प्लेयर उठा के चल रहे हो। दोस्तों इनका जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छा खासा है, आप ट्राई करना कि NYM से आप कुछ ज़्यादा प्लेयर उठाकर चल रहे हो। दोस्तों सिम्बॉलिक पिक के बारे में बात करूँ तो WN से आप सोटो और हर्नांडेज़ की तरफ जा सकते हैं, और NY की तरफ से आप एडम और मैक्स की तरफ जा सकते हैं। गैरेलिक चॉइस के बारे में बात करूँ दोस्तों तो WN से आप रिले एडम्स की तरफ जा सकते हैं और लेन थॉमस की तरफ जा सकते हैं, और दोस्तों NYM से आप ब्रैंडन नीमो और जेम्स मैकन की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, बस ये ग्रैंडली की कुछ चॉइस रहेगी, और आप इन सभी को दोस्तों सिम्बॉलिक में भी ट्राई करके चला सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूँ दोनों टीमों के कुछ की प्लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए वॉशिंगटन नेशनल्स के कुछ की प्लेयर्स, दोस्तों लैन थॉमस, सोटो, रॉबल्स, हर्नांडेज़, जोसबर और दोस्तों एस्कोबार, ये सभी दोस्तों वॉशिंगटन नेशनल्स के कुछ प्लेयर रहेंगे जो दोस्तों कीपर्स जो सबसे मेन रहेंगे, और 6 प्लेयर रहने वाले हैं। और न्यूयॉर्क मेट्स दोस्तों स्मिथ, लिंडा, अलोंसो और दोस्तों मैकन रहेंगे। दोस्तों टोटल प्लेयर यहाँ से 4, आप इनको टोटल करेंगे तो आपको 10 प्लेयर निकल के आएंगे। दोस्तों आप किन्हीं एक को ड्रॉप करके यहाँ से एक ग्रैंडली की टीम ला लीजिए दोस्तों, ये आपको दोस्तों प्रॉफिट देके जाने वाली है। कैप्टन वॉइस कैप्टन चॉइस के बारे में बात करूँ तो दोस्तों जो वॉशिंगटन नेशनल जो WAN है उसे आप सोटो और बेल की तरफ जा सकते हैं। और मैं बात करूँ न्यूयॉर्क मेट्स के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों आप स्मिथ, लिंडर और एलोंसो की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों दोनों टीमों की स्क्वाड रहेगी, तो आपको अगर स्क्वाड को चेकआउट करने तो आप इनको पोज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं पोज करने के बैठूंगा तो ये वीडियो 20 मिनट प्लस की हो सकती है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप पोज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ प्रोबेबल प्लेइंग 9। जो प्रोबेबल नाइन रहने वाली है वो आपके सामने। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा वॉशिंगटन नेशनल्स के प्रोबेबल प्लेइंग 9 के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से लैन थॉमस, सोटो, रॉबल्स, हर्नांडेज़, केवम, बेल, एस्कोबार, एस्पिनो और एडम्स आपको प्ले करते दिखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ से कौन सा प्लेयर अच्छा और कौन सा प्लेयर दोस्तों एक एवरेज प्लेयर रहने वाला है। दोस्तों लेन थॉमस से काफ़ी अच्छे से प्लेयर रहेंगे, सोटो भी दोस्तों काफ़ी अच्छे से प्लेयर रहने वाले, विक्टर ओवर दोस्तों एक एवरेज प्लेयर रहेंगे तो ड्रॉप करके चल देना है, हर्नांडेज़ दोस्तों काफ़ी अच्छे चॉइस रहेगी, केवम दोस्तों ड्रॉप कर देंगे, जोसबेल एक काफ़ी बड़े चॉइस रहेगी, दोस्तों एस्कोबार एक काफ़ी बड़े चॉइस रहेगी, पाब्लो एस्पिनो दोस्तों ड्रॉप कर देंगे, रिले एडम्स भी दोस्तों एक एवरेज चॉइस रह सकती है। अब आप देखिए न्यूयॉर्क मेट्स के काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स के बारे में। दोस्तों ब्रेंडन नीमो, डोमिनिक स्मिथ, मार्क काना, स्टार्लिंग मार्टे, लिंडर, पैट अलोंसो, जेफ मैकनिल, जोनी रेड्रियोज और जेम्स मैकन, ये सभी प्लेयर्स आपको न्यूयॉर्क मेट्स की तरफ से प्ले करते दिखने वाले हैं। तो दोस्तों मैन मैन चॉइस के बारे में बात कर लेता हूँ तो नीमो दोस्तों एक एवरेज चॉइस रहने वाली है,
डोमिनिस भी दोस्तों काफ़ी अच्छे से प्लेयर रहेंगे, खाना दोस्तों एक एवरेज प्लेयर रहेंगे, स्टर्लिंग मार्टिन एवरेज चॉइस रहेंगे दोस्तों, लिंडर एक काफ़ी बड़ा चॉइस रहेगी, पैटल उससे काफ़ी बड़ा चॉइस रहेगी, मैगले दोस्तों एक एवरेज चॉइस रहेगी, जोली रेड्रिगो दोस्तों एक एवरेज चॉइस नहीं रहने वाली है, और जेम्स मैकन भी एक काफ़ी अच्छा चॉइस रहने वाली है। तो दोस्तों मैं बात करूँगा ड्रीम टीम के बारे में, तो दोस्तों जो ड्रीम टीम है वो मैं बना चुका हूँ, जो इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी टीम के लिए कौन से फील्डर, कौन से इनफील्डर, कौन से पिचर और कौन से कैचर को चूज करना है, इन सभी के बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फील्डर सेक्शन में पिक है दोस्तों नीमो को, सोटो को, हर्नांडाज को, जो काफ़ी बढ़िया बढ़िया चॉइस होने वाली है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो फिलहाल मैंने टीम बनाई है वो एक टेम्परेरी टीम रही, क्योंकि दोस्तों जो फाइनल टीम होती है वो स्टैट्स के ऊपर होती है, और दोस्तों जो प्रॉपर स्टैट्स है वो अभी नहीं है दोस्तों, मैं से 2 घंटे पहले आने वाले हैं। मैंने दोस्तों स्टैट्स मेरे पास कुछ 2:30 दोस्तों, रात को 2:30 बजे आ जाएंगे, उसके बाद मैं स्टैट्स देखा दोस्तों, उसके बाद आपको फाइनल टीम प्रोवाइड करवा पाऊंगा। और इनफील्डर सेक्शन के बारे में तो दोस्तों मैंने अल्फोंसो कानो और लिंडरो पिक किया, जो तीनों ही चॉइस न्यूयॉर्क मेट से रहने वाले, और तीनों ही चॉइस काफ़ी बड़ी बड़ी चॉइस है, और मैंने हैंडर्स को दोस्तों वॉशिंगटन एस के हैंडर्स को पिक किया है। और पिचर के बारे में बात करूँ तो रोड्रिगो को पिक किया, और दोस्तों कैचर के बारे में बात करूँ तो मैंने जेम्स मैकन को पिक किया, जो सबसे बढ़िया चॉइस रहेगी दोस्तों कैचर चॉइस है अगर प्ले करते हैं तो। आप टीम का प्रयोग कर लीजिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उस टीम में 3 आउटफील्डर, 4 इनफील्डर, 1 पिचर, 1 कैचर को चूज़ किया है। जो मेरी कैप्टन चॉइस है दोस्तों सोटो रहेंगे, जो काफ़ी बढ़िया चॉइस रहने वाली है, और जो मेरी वॉइस कैप्टन है दोस्तों वह जेम्स मैकन, ये भी चॉइस काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको बता दूँगा टेम्पलेट टीम जो मेन टीम होगी दोस्तों, वो आपको कुछ 3 बजे के आसपास मैं बना लूँगा, और फाइनल टीम जो पोस्ट होगी दोस्तों मैं आपको 4:40 पर प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों, माफ करना 4:30 पर प्रोवाइड करवा दूंगा, यानी कि दोस्तों मैं से 5 मिनट पहले के दोस्तों टीम चोरी होने का डर रहता है, क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर्स बेसबॉल के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों आपको पता है स्टैट्स कलेक्ट करने में, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो उसके लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।